नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 इसका दूसरे प्रश्न का चौथा भाग है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब सेम स्पीड, चाल मतलब स्पीड। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, कई बच्चों को लगता है कि स्पीड दी हुई 8 किलोमीटर पर आवर, नहीं बच्चों, जो भी उसकी स्पीड पहले है उससे यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती उसकी स्पीड, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ऑब्वियसली बच्चे, स्पीड कम होगी तो समय अधिक लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले मान लो रेलगाड़ी की चाल, चाल मतलब स्पीड, बराबर है एक्स किलोमीटर प्रति आवर। एक फार्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। यहाँ से टाइम किसके बराबर आ गया? डिस्टेंस, स्पीड यहाँ गुना हो रहा है, उधर आके हो गया भाग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से आप देखिए कि समय किसके बराबर होगा, टाइम जो है किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है देखो, 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 480 बटा स्पीड कितनी है, स्पीड हमने अभी मानी है एक्स, तो समय जो है टी वो आ गया 480 बटा एक्स आवर्स। अब इसके बाद नई चाल, नई चाल मतलब नई स्पीड, पहले एक्स थी स्पीड, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो एक्स में से 8 कम हो गया, एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर, ये उसकी नई चाल हो गई। तो नया समय, नया समय यानी न्यू टाइम, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ जाएगा 480 बटा, डिस्टेंस तो सेम ही है ना 480, स्पीड अब बदल गई है, स्पीड अब हो गई है एक्स माइनस 8, ये नई स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये देखिए, ये समय है और ये समय है, ये दो समय हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से ये जो नया समय है ये ज़्यादा समय लेता है पुराने वाले से, तो नया समय किसके बराबर होगा, पुराना समय प्लस 3 घंटे ज़्यादा लेता है तो +3, तो नया समय, नया समय बराबर पुराना समय, पुराना समय +3 घंटे। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें हल करना है, आइए देखें कैसे। यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस तरफ ये ऐसे ही रह जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8, इस तरफ हो जाएगा एक्स और 1 का लघुत्तम आ जाएगा एक्स, एक्स को एक्स से नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, एक्स को एक्स से भाग करके आया 1, 1 इंटू 480, 480 प्लस एक्स को एक से भाग किया एक्स, एक्स को 3 से गुना किया 3x। अब हम इन्हें कर देंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 8 गुना हो जाएगा इधर 480 प्लस 3x के साथ, और यहां पे 480 गुना हो जाएगा x के साथ। आइए अब इसे हल करें। जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में गुना हो रही हैं, तो पहले ये x इससे गुना होगा, फिर ये x इससे गुना होगा, फिर ये 8 इससे गुना होगा, फिर ये 8 इससे गुना होगा। आइए देखें, एक्स गुना 480 होगा 480x प्लस 3x गुना एक्स हो जाएगा प्लस 3x2, एक्स गुना एक्स होता है x2, 3 गुना 1 3x। इसके बाद माइनस 8 गुना होगा 480 से, 8 इंटू 0 0, 8 8 64 4 हासिल आया 6, 8 चौके 48 सॉरी 8 चौके 32, 32 और 6 38, तो ये आ गया 3840। माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 इंटू 3 24x, ये 480x इधर प्लस का है बराबर के इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा बराबर, और बराबर के उधर से 480x उधर चला गया, बाकी रह गया 0, ये हमने इसमें कर दिया है। आइए अब आगे देखें। सबसे पहली बात, 480x में से 480x माइनस हो गए, ये आपस में कट गया, बाकी जो बचा उसे हम सॉल्व करते हैं। बाकी मेरे पास है 3x2, एक्स वाली रकम पहले बिना एक्स वाली बाद में, -24x -3840 बराबर 0। अब ये देखिए, यह जो रकम है यह है 2 सॉरी। अब हम इसको ध्यान से देखें तो
तो ये एक समीकरण आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यदि आप इसको थोड़ा सा और आसान करना चाहते हैं तो देखो ये भी तीन के पहाड़े में आ रहा है, ये 24 भी तीन के पहाड़े में आते हैं, और ये 8 4 12 और 3 15 सम तीन के पहाड़े में आ रहा है, तो ये नंबर भी तीन के पहाड़े में आ रहा है। तो हम इन तीनों में से तीन कॉमन ले लेंगे। तो एक्स, 3 एक्स स्क्वायर में से 3 बाहर चला गया, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 24 एक्स। 24 को 3 से भाग कर दो, बाकी रह गया 8 एक्स माइनस 38। और 40 को 3 से भाग करो तो ये आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 2 और 4 24, 3 8 24 और पीछे 0 1280। 3 इधर इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, जब उधर जाएगा तो उस 0 के साथ भाग हो जाएगा, और यहां बच जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स माइनस 1280। अगले स्टेप में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स माइनस 1280, 0 को 3 से भाग करके आ गया 0। तो ये हमारे पास द्विघाती समीकरण बन गई है जो कि इस क्वेश्चन में हमें चाहिए थी। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। रेलगाड़ी की हमें दूरी दी हुई थी, चाल जब अगर उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो वह उसको करने में 3 घंटे समय ज़्यादा लेती है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पुराने के हिसाब से हमारे पास आया 480/x, नई स्पीड है 8 कम तो x माइनस 8, तो नया समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480/x माइनस 8। इसके बाद हमें पता था कि नया टाइम जो है पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, तो इसका मतलब पुराने टाइम में 3 घंटे प्लस करेंगे तो वो नए टाइम के बराबर होगा। यही हमने किया, जो समीकरण बनी उसे हमने हल किया, जो कटता था काट कर, ये हमारे पास समीकरण बन गई। इस प्रश्न में हमें सिर्फ समीकरण ही बनानी थी, समीकरण को ही निरूपित करना था, तो ये हमारा उत्तर आ गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि किसी भी स्टेप से आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।